भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को इन्होंने तालिबानी कहा। मैं एक बात पूछती हूँ, इस धरती पर रहते हो, इस धरती पर जन्म लेते हो, इस धरती पर खाते हो, चलते हो, फिरते हो, सोते हो, जगते हो, पूरा जीवन यहाँ व्यतीत करते हो और अंत में मर जाते हो, उसी की खाक में मिल जाते हो। मैं एक बात कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ कि जब आपदा आती है तब तुम कहाँ चले जाते हो? तब गरीबों का साथ देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी को तुम तालिबानी कहते हो। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम ये सब करते हो तो देशभक्ति की परिभाषा तुम्हारी क्या है, जरा बता देना। देशभक्ति किसे कहते हैं वो तुम बता देना। और जिस दिन तुम अपनी कब्र खोदोगे, जिस दिन तुम अंदर घुसकर अपने में देखोगे, शायद ईश्वर तुम्हें इतना अवसर दे दे कि पाप का पश्चाताप कर लो, तो तुम अपने को देश भक्त नहीं पाओगे, देश के विरुद्ध ही पाओगे। मैं किसी को देशद्रोही नहीं कह रही, लेकिन देशद्रोही की परिभाषा में आने वाले हर व्यक्ति देश का दुश्मन है। और इस धरती पर रहने वाला, जन्म लेने वाला, खाने वाला, पीने वाला, रहने वाला हर व्यक्ति जो देश की बुराई करता है, जो संकट में देश के विरुद्ध खड़ा होता है, जो किसानों को भ्रमित करता है, जो देश की संपत्ति को उपयोग करके और विदेशों के गुणगान करता है, और ऐसे लोग देशद्रोही हुआ करते हैं। ठोकर कहने में हमें कोई बुराई नहीं,